जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से 7 किलोमीटर दूर प्राथमिक शाला कसरा का स्कूल निजी बरामदे में 5 सालों से संचालित हो रहा है। स्कूल में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बच्चे अपने सुनहरे भविष्य को गढ़ने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि प्राथमिक शाला कसरा का स्कूल भवन 2019 में जर्जर होकर धराशाही हो गया था, जिसका स्थान न मिलने पाने के लिए प्रधान पाठक ने गांव के एक व्यक्ति से सहयोग मांगा। दयालु ने बरामदे में स्कूल लगाने की अनुमति दे दी। तब से यह स्कूल बरामदे में ही संचालित हो रहा है। बरामदे की पर्ची में स्कूली कक्षा की पढ़ाई होती है। स्कूल में पहली से लेकर पांचवी तक की दर्ज संख्या 29 है, जिन पर प्रधान पाठक को लेकर 2 शिक्षक तैनात है। स्कूल तक पहुँचाने के लिए बच्चों को पगडंडी मार्ग से होकर जाना पड़ता है। परिसर में खेलने तक की जगह नहीं है, कुछ दूर पर मवेशी बंधे रहते हैं। वही स्कूल भवन के नाम पर 2 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हुआ है, एक बनकर तैयार है पर हैंड ओवर नहीं हुआ, दूसरा अधूरा है। मामले पर नव पदस्थ कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच उपरांत की कड़ी कार्यवाही की बात भी कही है। मैं उसकी जांच करवाऊंगी। हालांकि अतिरिक्त कक्ष के निर्माण के संबंध में सूचना मिली है, परंतु यहाँ पर सारे अधिकारियों की हमने ड्यूटी दी हुई है स्कूल के निरीक्षण करने में। यह बहुत गंभीर मामला है। अगर बच्चे के लिए, उनकी सुविधा के लिए कक्ष बन चुका है और उसमें फिर भी हम हैंडओवर नहीं हुआ है, इस तरह की मतलब लापरवाही पूर्वक बातें करके और हम बच्चों को सही जगह नहीं बिठाएंगे, तो इसमें हम आगामी आने वाले दिनों में तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो भी इस तरीके का चूक करेगा, चाहे वो प्रधान पाठक हो चाहे कोई भी हो, उनको छोड़